जमशेदपुर पोटका में रविवार अचानक चेक पोस्ट का औचक निरीक्षण करते हुए एडीएम लॉयन ऑर्डर नंद किशोर लाल निरीक्षण के क्रम में इन्होंने स्वयं झारखंड उड़ीसा बॉर्डर पर स्थित रसून चौपा चेक पोस्ट में खड़े होकर उड़ीसा से आ रहे वाहनों को रुकवा कर कोरोना की जांच करवाई। साथ ही जिन यात्री के पास मास्क नहीं था उन्हें एडीएम लॉयन ऑर्डर नंद किशोर लाल द्वारा मास्क का भी वितरण किया गया। उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को बिना जांच किए झारखंड में प्रवेश करने ना दे। यदि जांच के दौरान कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उन्हें उसी समय एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल में भर्ती कराया जाए, क्योंकि उड़ीसा एवं बंगाल में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। झारखंड में इसको लेकर कड़े निर्देश दिए गए हैं। चेक पोस्टों में कड़ाई से जांच की जा रही है, मगर चेक पोस्ट में जवान की कमी है, जिसके कारण कुछ लोग बिना जांच कराए ही पुलिस के हाथ देने पर भी नहीं रोकते और सीधा निकल जा रहे हैं। चेक पोस्ट में बाइक सवारों का जांच नहीं किया जा रहा है। साथ ही जांच टीम में को खोखन पात्र एकमात्र एलटी है, जिसके सहारे उड़ीसा झारखंड के चेक पोस्ट में कोरोना की जाँच की जा रही है। पूछे जाने पर एडीएम ने कहा कि यदि जरूरत हुई तो और भी स्टाफ बढ़ाए जा सकते हैं, मगर लॉकडाउन के वजह से दूसरे राज्यों से कोई बिना जांच किए किसी भी यात्री को झारखंड में प्रवेश पर सीधा रोक है। इनका कहना है कि होम आइसोलेशन को पूरी तरह से रद्द करते हुए सभी चेक पोस्टों को कड़ा निर्देश दिया गया है। कि इसी बीच चेक पोस्ट में औचक निरीक्षण के दौरान पोटका अंचल अधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी इम्तियाज अहमद समेत कई कर्मचारी उपस्थित रहे। जमशेदपुर से शिव शंकर साह की रिपोर्ट। अभी इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट चेक पॉइंट को अलाइव रखा है, और जो भी इंट्रा जो अंदर में था शहर के अंदर उसको हटाया, और हम लोगों का एक ही उद्देश्य है जो भी बाहर से लोग आते हैं उनकी 100% एंट्री हो जाए, होटल में एंट्री हो जाए, 100% उसका टेस्ट हो जाए, ये हम लोग करते हैं। और सफिशियंट इसमें प्रत्येक चेक पॉइंट को सफिशियंट हम लोग किट दे रखे हैं, और किट के माध्यम से रेड किट से इनकी टेस्टिंग कराते हैं। टेस्टिंग कराने के बाद भी हम लोग इंटर करने देते हैं, और इसलिए स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट कराने के लिए हम हैं यहाँ के सीओ साहब हैं, सबको लगातार हम लोग इस तरह से चेक पॉइंटों का विजिट करते हैं, न केवल यहाँ पर बल्कि बंगाल बॉर्डर में भी यही चीज़ करते हैं, उधर पुरुलिया तरफ से जो आता है उसको भी कमलपुर में करते हैं टेस्टिंग। हर जगह हम लोग करीब 9 टेस्ट पॉइंट गुड़ाबंदा में यहाँ पे है आपको, फिर घाटशिला केसरपुर में है आपका, चकुलिया में बैंद में है, बहरागुड़ा में 2 जगह है। बंगाल से जो आते हैं एक उड़ीसा से घुसता, उधर से उड़ीसा से घुसते हैं कलिया डंगाल में और आपका बरसोल में, इतने जगह पे हम लोग चेक पॉइंट चलाते हैं और उसको इफेक्टिवली चलाते हैं। उस पर डाटा एंट्री कराते हैं, उसकी लाइन लिस्ट बनती है, उसकी टेस्टिंग होती है, और टेस्ट अगर पॉजिटिव हो गया तो फिर अगर वो जाना चाहता है तो हम लोग उसको ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए कहा गया है कि उसको होम आइसोलेशन नहीं देना है। कोई भी पॉजिटिव केसेस का होम आइसोलेशन ख़त्म कर दिया गया सरकार के द्वारा, उसको किसी भी कीमत में हॉस्पिटल में रहना, क्योंकि अभी हॉस्पिटल में बेडों की संख्या बहुत अधिक है, अभी मरीज की संख्या कुछ कम है, लेकिन निकटवर्ती आपको महाराष्ट्र में, केरला में और उड़ीसा वगैरह में, आंध्र में ये कोविड का पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं, वैसे बंगाल में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं बहरागुड़ा में लगातार 8 गो 10 गो 12 गो पॉजिटिव आ रहे हैं, घाटशिला में 4-5 लगातार पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग थोड़ा सा प्रिकॉशन ज़्यादा ले रहे हैं ताकि भविष्य में हम लोग को कम कठिनाई का सामना करना पड़े, इसी उद्देश्य से हम लोग ये सब कार्य कर रहे हैं। सर जाँच जो कोविड की जाँच कर रहे हैं, स्टाफ कम है कहाँ समझ में नहीं है? नहीं, स्टाफ तो हम लोग इतने स्टाफ थे, एक टीचर है आपका, एक एलटी होता है, और चूँकि जिस तरह से फ्रिक्वेंसी है एक एलटी को 250 तक टेस्ट करने का कैपेसिटी है, और लेकिन यहाँ पे जनरली आपको 60-70-80-90 इतने ही लोग आते हैं बाहर से, इसलिए सफिशेंट स्टाफ है। लाइन लिस्ट बनाने के लिए टीचर कर ही देते हैं, ऊपर से एक हम लोग ऑपरेटर भी दे रखे हैं, हर शिफ्ट में एक ऑपरेटर है, ऑपरेटर आपका होटल वाली काम कर लेता है, इसलिए ऐसा दिक्कत नहीं है कि उसमें कोई तरह का स्टाफ की कमी है। फोर्स भी है, नौजवान एक पुलिस अफसर भी है, और ऐसा कोई रिजेंटमेंट की बात नहीं है, और हम सब